السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي فضل أفلاق على العالمين جميعا يوم القيامة للمسلمين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्प ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे यानी रजा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लु अलैही व आलही करु मध अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आइए हजरात मोहतरम सबसे पहले हम और आप मिलकर खुलूस व अकीदत के साथ कौनैन के मसीहा की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीयना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है ये महीना जो चल रहा है हमारे और आपके दरमियान शाबान का महीना और इसकी 15वीं शब जो आती है इसकी फजीलत हदीस पाक में बहुत सारी आई है और इसके ताल्लुक से बुजुर्गान दीन के अकवाल और उनके तमाम तर इबादात बहुत सारे नवाफिल और बहुत सारी ऐसी खसूसियात इस रात में होती रहती है। और हजरात ये वही रात रहे है कि जो बंदा अपने रब से चाहे उसे तलब कर ले। मेरा परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता जैसे उसकी शान है और फरमाता मेरे बंदे तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो जो चीज चाहिए उसे मांग लो आज तेरा करीम रब तुझे अता कर देगा। आज की रात दौलतमंदो अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो दौलत ले लो सर्वत चाहिए तो सर्वत ले लो हुकूमत इख्तदार चाहिए तो उसे भी आज अपने रब से मांग लो अगर रिज्क चाहिए वो भी तुम मांग लो अगर तुम अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा परवरदिगार आलम आज उसे भी माफ फरमा देगा। ये वही रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देता कि ऐ फरिश्तों आज की रात
तुम्हें ये तय करना है कितने कितने लोगों की रूह इस साल हमें निकालनी है, कितने लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं, कितने लोगों के हिस्से में कितना रिस्क पहुंचाना है। आज इस साल कितने लोग इस दुनिया में पैदा होंगे, ये सारे लोगों का हिसाब व किताब इसी रात होता है। मुसलमानों को भी चाहिए और हमारे नौजवान खास तौर से जब ये रात आती है तो इस रात में सिर्फ वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हमको जगना है। वलमा की तकरीर सुन करके उन्होंने सिर्फ ये समझ लिया कि हमको इस रात सिर्फ जगना है, सिर्फ गाड़ी उठाए, कभी इस मज़ारात का चक्कर, कभी उस मज़ारात पे चलना, कभी इधर अय्याशी, कभी उधर अय्याशी, कभी होटलों पे बैठ करके, दोस्तों के दरमियान बैठ करके चाय नोशी करके और उनके दरमियान मजाक करना। बस उनको यही पता है कि आज रात हम को जगना है। जगने से काम नहीं चलता, अगर जगना है तो अजीजाने गिरामी वकार, मुसलमानों तुम इस रात अगर मिल रही है तो ये मत समझो कि ये रात ऐसे वैसे आप अपने हाथों से गवा दो, बल्कि इस रात में तुम जितनी इबादतें कर लोगे और रब के हुजूर चंद आंसुओं के कतरात अगर तुम टपका दोगे तो मेरा परवरदिगारे आलम इतना रहीमो करीम है, इतना रहीमो करीम है कि तुम्हारी हर एक खता को माफ फरमा देगा, हर एक खता को माफ फरमा देगा। और नौजवानों तुमको तो ये चाहिए, जैसी जब रातें मिले तो अपने महबूब को सिर्फ याद करो, मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कौनैन को याद करो और उस महबूब कायनात परवरदिगार आलम, दोनों महबूब कायनात ने खुद इरशाद फरमाया था और बुजुर्गान दीन के अकवालों से भी पता चला कि जब ऐसी रात आए मगरिब की नमाज के बाद तुम 6 रकात नमाज पढ़ो। वो नमाज बड़ी तफसील के साथ है कि तुम पढ़ो, उसके बाद ईशा से पहले पहले तुम एक अपने तश्त में अपने बर्तन में पानी गर्म करके 7 बैर के पत्ते उसमें डाल दो, उसके बाद उसी पानी से नहा लो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं ऐसा करने वाला जो करता है तो यकीनन अगर उसके ऊपर जो आफात और बलकियात और शैतानी वबा उसके ऊपर आती है वो हरगिज हरगिज ना आएगी बल्कि दूर हो जाएगी ऐसा करने से। अजीजाने गिरामी वकार, लेकिन नौजवान सिर्फ सोचता है कि हमें सिर्फ जगना है, हमें सिर्फ टाइम पास करना है। तो मैं तो उनसे बड़े माजरत के साथ कहता हूँ कि अगर तुमको सिर्फ टाइम पास करना है, न कुरान की तिलावतें हैं, न सजदे हैं, न रुकू है, न सुजूद है, बल्कि तुम्हें जब कुछ नहीं करना है, इधर से उधर जाना है, तो उससे बेहतर ये है कि ईशा की नमाज पढ़ करके तुम अपने बिस्तर पे चले जाओ सोने के लिए और दिल के अंदर ये सोच करके सो कि कल सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ना है। यकीनन तुम्हारे घूमने से बेहतर ये है कि तुम्हारा अगर सो जाओगे तब भी तुमको सवाब मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन खुराफात करोगे तो खुराफात पे तुम्हें सवाब नहीं बल्कि कहीं ऐसा ना हो रब्बे कायनात का आजाब तुम्हारे ऊपर उतर जाए। अजीजाने गिरामी वकार, लोग ये समझते हैं कब्रस्तान जा करके चंद मिनट हाथ उठा करके दुआ मांग लिए उसके बाद चले आए। कब्रस्तान जाने वालों से भी गुजारिश है और अपील है, रिक्वेस्ट भी है कि जब जाया करे तो वहाँ कम से कम अपने बाप और दादा के लिए और अपने मरहूमीन के लिए देख करके सूरह यासीन की तिलावत, कुरान मुकद्दस की कुछ चंद आयतें पढ़ करके, कुरान के 1-2 पारे पढ़ करके वहाँ कुछ देर ठहरे रहें और कब्रों का जायजा लें, कौन सी कब्र बैठ गई है, कौन सी कब्रों के तख्ते टूट गए हैं, कौन सी कब्रें ऐसी हैं जिनके ऊपर लोग मिट्टियां नहीं डाल
करते हैं। और ये सोच करके जिस दिन उसने ये सोच लिया कि हमको भी आखिरी वक्त में यही आना है, जैसे आज इसका हाल है कल वैसे मेरा भी हाल रहेगा। अजीजाने गिरामी वकार, अगर ऐसी बाबरकत रात तुम्हें मिल जा रही है तो इसको अपने हाथ से जाया मत जाने दो, बल्कि रब्बे कायनात का शुक्रिया अदा करो कि ये पालनहार मौला जब भी तू मुझे मौत दे तो अच्छी और घर के अंदर मौत दे, या तो मदीने तैयबा मुझे मौत दे दे, या तो कभी एक्सीडेंटों में मौत ना दे, पोस्ट मातम वाली मौत मत दे। अजीजाने गिरामी उसमें बहुत दर्द होता है, रब की बारगाह में जब तुम ये अरीजा पेश करोगे, रब की बारगाह में जब चंद कतरात आंसुओं पे टपका करके दुआ मांगोगे, कसम खुदा की मेरा परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआओं को इस रात के सदके में कभी टाल ही नहीं सकता है। और जमाने से जाते जाते ये कहते हुए चले जाओ कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजाने गिरामी वकार, जब ऐसी रातें आए तो अपने आबादियों में, अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में कम से कम ऐसा माहौल, दीनी माहौल पैदा कर दो ताकि चंद लोग उसमें इकट्ठा होकर के इबादत कर सके। इमाम के साथ आप जाएं मज़ारात पर, वहाँ इमाम के साथ रह करके कुरान मुकद्दस की तिलावतें करें, इमाम दुआ करे, आप आमीन कह दें, ताकि जब ये आपका रास्ता बना रहेगा तो हमारी आने वाली नस्लें जो आज माँ की गोदों में दूध पी रहे हैं, जब वो भी वही मंजर देखेंगे तो कल जब मेरा जनाजा जाएगा उसी कब्रस्तान में तो हमारे ही नक्शे कदम पर वो भी अमल करेंगे और हमारे लिए भी मगफिरत की दुआओं करेंगे। अजीजाने गिरामी वकार, चंद बातें और हैं कि जब ऐसी रातें आ जाएं, और इस रात में आज लोग ये समझते हैं हलवा बनाना है उसे खाना है, खा करके हमको सो जाना है। अजीजाने गिरामी वकार, पहले बुजुर्गाने दीन हलवा खा करके इतना नहीं करते थे कि हलवा हम खा ले पेट भर और ताकि हमको इबादतों में दुश्वारी हो, बल्कि चंद खुराक खाते थे और रोजा रखते थे, दो दिन का रोजा रखते थे और रोजा रखने के बावजूद भी कुछ खाते थे ताकि नींद का गलबा हमारे ऊपर ना हो, बल्कि हम इस रात दिल खोल करके इबादत करें। और मुसलमानों को तो इस दौर में चाहिए कि ऐसी रातों में अपनी कजाए उमरी पढ़ा करें, जो नमाजें उनकी कजा हो गई हों, जो उनकी नमाजें छूट गई हों, उस नमाज को मुकम्मल करें। रब्बे कायनात हो सकता है इसी रात के सदके हमको और आपको और सारे लोगों को मगफिरत की मगफिरत दे दे, और इसमें ऐसी बाबरकत रात बार बार नहीं आती। अगर आज हमारे पास ये रातें मिल रही हैं, आज हमको ये मिल रही है, आइंदा ये रातें हमें मिले या ना मिले ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि आज ही के रात रब्बे कायनात मुंतखब करता है, इंतखाब करता है किसको किसको इस दुनिया से अलविदाई सलाम कह करके जाना है और किसको किसको इस दुनिया में आना है, किसकी कहां कब्र बनेगी, किसकी कहां मौत होगी। आज ही के दिन फरिश्ते भी रब की बारगाह में वो रजिस्टर भी लेकर के जाते हैं, वो आमाल भी लेकर के जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा जो पहला रजिस्टर पे नाम लिखा जाए तो इबादतों के जरिए लिखा जाए, और आखिर में जब नाम आए तब भी इबादतों में आए, बीच में जो गुनाह हो तो रब्बे कायनात अपने फजलो करम से हो सकता है ये कह दे इसका पहला भी जो अमल है वो नेकियों वाला अमल है, आखिर का जो अमल है वो भी नेकियों का अमल है। रब्बे कायनात इसी के सदके में हो सकता मेरी मगफिरत फरमा दे। अजीजाने गिरामी वकार, रब्बे कायनात ऐसी बाबरकत रात हमें जो अता फरमा रहा है, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए इस पर हम अमल करें, और ऐसे रातों में इधर उधर हम ना घूमें। मज़ारात पे जाना गलत बात नहीं है, मज़ारात पे जाना अच्छी बात है, बुजुर्गों से फैज लेना अच्छी बात है, लेकिन बस हद वहीं तक रहे जहां तक हमारी शरीयत हमें इजाजत देती है।
इतना ना घूमे अपना टाइम इधर उधर फालतू में किसी के पास बैठ करके हंसी मजाक में ना गुजार दे, क्योंकि बार बार ये रातें नहीं मिलती हैं। और इस रात में जो हलवा बनता है, जो फातिहा दिलाया जाता है, वो हजरत अवैस करनी के नाम से दिलाया जाता है। हजरत अवैस करनी कौन है? हजरत अवैस करनी वो है जो ताबईन है। सरकार का तो जमाना पाया लेकिन सरकार को देख ना सके, लेकिन इश्क इस कदर था, सरकार से मोहब्बत इस कदर थी, सरकार से ऐसी मोहब्बत ऐसी लगाव थी, लोग उनसे कहा करते थे कि आखिरकार तुमको अगर सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन से इतनी मोहब्बत है, मदीने तैयबा जाकर के क्यों नहीं मिल लेते, क्यों जाकर के उनसे नहीं मिल लेते। मदीने से कोई किरण की तरफ आता तो बार बार पूछते दोनों आलम के ताजदार कैसे हैं, उनका रुखे जेबा कैसे है, उनके जुल्फे मुअम्बरी कैसी है, वो चलते हैं तो किस कदर चलते हैं, जब बोलते हैं तो उनके बोलने की मिठास कैसी होती है। अवैस करनी दीवानों की तरह पूछते चले जाते हैं, लोग कहते हैं पूछ क्या रहे हो, जमाना तो तुम्हें मिला है, सरकार बाहयात है, जाकर के मुलाकात कर लो। लेकिन अवैस करनी के किरदार से भी पता चलता है, अवैस करनी ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ज़ईफ़ा माँ है जो बूढ़ी हो चुकी है, नाबीना है, उसकी हम खिदमत किया करते हैं, और शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि अपने माँ बाप को छोड़ करके हम कहीं और चले जाएं, बल्कि माँ से एक बार इजाजत लेकर के मदीने तैयबा गए थे, लेकिन तब भी सरकार से मुलाकात ना हो पाई थी। जब ना हो पाई थी और एक मरतबा मस्जिद नबवी में सरकार ने भरे मजमे में ऐलान फरमाया था कि ए लोगो ये बताओ सबसे बड़ा मेरा आशिक कौन है। तमाम सहाबा मौजूद थे, अक्ल ये कहती है अबू बकर भी रहे होंगे, हजरत फारूक आजम भी रहे होंगे, उस्मान गनी भी रहे होंगे, मौलाए कायनात भी रहे होंगे, हजरत बिलाल भी रहे होंगे, हजरत सईद भी रहे होंगे, हजरत जुबैर भी रहे होंगे, हजरत तलहा भी रहे होंगे, हजरत जुबैर भी रहे होंगे, तमाम तर सहाबा मौजूद थे, लेकिन कोई सहाबा खड़ा होकर के ये नहीं कहा कि मैं आपका सबसे बड़ा आशिक हूँ। उस्माने गनी का भी दावा था, सारे सहाबा का दावा था, या रसूल अल्लाह जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी से इश्क करने का तो दावा सब कर रहे थे, लेकिन मेरा पैगंबर इरशाद फरमा रहा था ए लोगों तुम में सबसे बड़ा आशिक मौजूद नहीं है, अगर मुझे मेरा सबसे बड़ा आशिक है कोई तो किरण के अंदर मौजूद है, और उसके इश्क का चर्चा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पे फरिश्ते किया करते हैं, और जब वो दुनिया से भी जाएगा तो पूरा जमाना उसकी तारीफ करेगा और उसको सबसे बड़ा आशिक कहा जाएगा। अजीजाने गिरामी वकार, हम मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कौनैन से इस कदर इश्क करें, अगर इस्लाम का कलमा हम पढ़ रहे हैं, इस्लाम को हम अपने घरों में लाए हैं, इस्लाम के बताए हुए फरमान पर भी चलें और इस्लाम के बताए हुए वकार पे भी चलें, इस्लाम के बताए हुए तमाम फरामीन पर चलें, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे चलें, और मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कौनैन की जो शरीयत पे चलेगा और उनके फरमान पे चलेगा तो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा, मैदान महशर में भी उठेगा तो किसी और के साए तले नहीं बल्कि मेरे रसूल के चादरे अनवर के साए तले वो मौजूद रहेगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये रात जो हमारे और आपके दरमियान आ रही है, इस रात का हम और आप एहतराम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस पर पहले हमें अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम सामईन को इस पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए, और हमें जो कुछ हमसे बोलने में खता हुई हो रब्बे कायनात उसे माफ फरमाए, और तौबा करता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन वातुबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।